आकाशवाणी औरंगाबाद गौस गौसमुहद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए पहले खास खबरों की सुर्खियाँ मणिपुर में फंसे हुए 25 तलबा को लाने वाला मखसूस हवाई जहाज़ कल शाम मुंबई पहुंचा रियासत में गुमशुदा लड़कियों की तलाश करने के मकसद से मखसूस दस्ता तश्कील दिया जाए खवातीन कमीशन का मतलब मराठी जबान पॉलिसी 2023 का हतमी मुसविदा रियासती हुकूमत को पेश छत्रपति संभाजी नगर में तीन मजदूर ड्रेनेज चैम्बर में फंसकर जाबाख और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को पांच विकेट से शिकस्त दी अब खबरें तफसील से। मणिपुर में फंसे हुए 25 तलबा को लाने वाला मखसूस हवाई जहाज कल शाम मुंबई पहुंचा इन सभी तलबा का ताल्लुक महाराष्ट्र से है ये तलबा मणिपुर के सदर मकाम इम्फाल से गुवाहाटी और फिर वहां से मुंबई पहुंचे वजीर अला एक शिंदे ने इन सभी तलबा को मखसूस हवाई जहाज के जरिए लाने की हिदायत दी थी इसी दौरान मणिपुर के हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं वहां गुजश्ता 24 घंटों में तशद का कोई वाक्य पेश नहीं आया इसीलिए मणिपुर हुकूमत ने रियासत के बेशर अजला में लगाए गए कर्फ्यू में कुछ नरमी करने का फैसला किया है फौजी और नीम फौजी दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं साथ ही राहती काम भी कर रहे हैं मरकजी वजारत बर फ़रोग हनरमंदी और सनत हरफत की जानब से कल मुल्क भर में दो सौ से ज्यादा अजला में पी एम नाम यानी वजीर अजम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का इनका किया गया था मराठवाडे के धाराशिव और परभनी जिला समेत रियासत के अहमदनगर मुंबई मुजाफात नागपुर और वाशिम वगैरह बारह अजला में इस मेले का इनका किया गया था ख्याल रहे कि हर महीने के दूसरे सोमवार को अप्रेंटिसशिप मेले का इनका किया जाता है इस मेले में मंतबा उम्मीदवार को तरबियत का मौका दिया जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि अगर सियासत को आम आदमी के हाथों में रखना है तो आम आदमी के मफादात का ख्याल रखना होगा शोलापुर जिले के सांगोला में कल पूना के कस्बा असम्बली हल्के से रुकने असम्बली रविंद्र धंगेकर का इस्ते किया गया इस मौके पर शरद पवार इजहार ख्याल कर रहे थे इस दौरान सांगोला में मुनदा जीरात से मुतलिक वर्कशॉप का आगाज भी जनाब पवार के हाथों किया गया इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सोच समझकर काश्तकारी की जाए तो यकीनन खुशहाली आ सकती है रियासत में गुमशुदा लड़कियों की तलाश करने के मकसद से मखसूस दस्ता तश्कल दिया जाए रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चाकनकर ने रियासती हुकूमत से ये अल्तजा की है उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी महीने में सोलह सौ सो लड़कियां फरवरी महीने में अट्ठारह सौ और मार्च महीने में 2200 लड़कियां रियासत से लापता हो गई हैं मोहतरमा चाकनकर ने बताया कि गुज्तर दो वर्षों के दौरान मुल्क भर में सबसे ज्यादा लड़कियां महाराष्ट्र से ही लापता हुई हैं लैंग्वेज एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत देशमुख ने मराठी जबान पॉलिसी 2023 का हतमी मुसविदा कल रियासती हुकूमत को पेश कर दिया वजीर बराय मराठी जबान दीपक केसरकर ने मुसवदे को कबूल करते हुए कहा कि जल्द ही मराठी जबान से मुतक़ जामे पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा रियासत के डैम्स में से गाल निकालने का लाहे अमल तय कर दिया गया है पहले तजरबाती तौर पर जायकवाडी, उजनी मोड़ा गोसी खुर्द और गिरना इन खदीन डैम्स में से गाल निकाला जाएगा इस मकसद से तश्कील दी गई कमेटी की रिपोर्ट हतमी मराहल में है ख्याल रहे कि डैम्स से गाल निकालने का फैसला सबक वजीर देवेंद्र फडनवीस के दौर में किया गया था सफ़र हज के लिए छत्रपति संभाजी नगर से इजाफी किराया वसूल किए जाने पर सबक वजीर पंकजा मुंडे ने वजीर अजम को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने मस्कूरा इजाफी किराए में कटौती करने का मतालबा किया है ख्याल रहे कि सफ़र हज के लिए मुंबई से तीन लाख चार हजार आठ सौ रुपए किराया जबकि छत्रपति संभाजी नगर से तीन लाख हजार सात सौ अड़तीस किराया तय किया गया है जिसकी वजह से मराठवाड़े से हज के लिए रवाना होने वाले आजमीन को फीकस अठासी हजार रुपये इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा बीड जिले के आजमीन हज के एक वफ्द ने कल मोहतरमा पंकजा मुंडे से मुलाकात करके उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई थी ये खबरें आकाशवाणी और अंगाबाद से की जा रही रुकने असम्बली कुणाल पाटिल ने रियाती हुकूमत से मुतलबा किया है कि वो पंद्रह मई से कबल बी टी कपास के बीज दस्तियाब करवाएं इस खसूस में उन्होंने वजीर आला और वजी जीरात को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने एक जून से कबल बी टी बीज की फराहमी पर जो पाबंदी आयद कर रखी है उसे खत्म किया जाए जनाब कुणाल पाटिल ने मजीद लिखा कि देर से बीज मिलने पर तुखम रेजी में भी ताखीर होती है जिसकी वजह से कपास पर रोग पड़ता है और किसानों की पैदावार घट जाती है छत्रपति नगर में कल तीन मजदूर ड्रेनेज चैंबर में फंसकर जाबाह हो गए यह हादसा सलीम अली सरोवर के क़रीब पेश आया ड्रेनेज चैंबर साफ करने की गरज से चैम्बर में उतरा एक मजदूर अंदर फंस गया था जिसे निकालने के लिए दीगर तीन मजदूर भी अंदर उतरे लेकिन वो सभी अंदर फंस गए फायर ब्रिगेड दस्ते के जवानों ने उन सभी मजदूरों को बाहर निकालकर घाटी दवाखाना पहुंचाया जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मुर्दा करार दिया जबकि एक मजदूर दौरान इलाज चल बसा एक मजदूर दवाखाने में जेर इलाज है छत्रपति संभाजीनगर मुंसिपल कॉरपोरेशन के सबक़ मुंसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वज़ीआज़म रिहायश योजना में घोटाला मामले में नोटिस जारी की है ख्याल रहे कि वजीरजम रिहायश योजना के तहत चालीस हजार मकान तामीर करने के लिए चार हजार करोड़ रुपए के तखमीने पर मुश्तमिल टेंडर जारी किए गए थे जिसके बाद टेंडर भरने वाली कंपनियों से वाबस्ता अफराद पर ईडी ने बैक वक्त छापे मारे थे इस मामले में ईडी ने मुंसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को भी मुंबई दफ्तर में बुलाकर उनसे पूछ की है रुकने असेंबली अमित देशमुख ने कहा है कि लोक नेता विलासराव देशमुख की दूर अंदेशी के बायस ही आज मुतदीद शकर कारखाने कामयाबी से काम कर रहे हैं जनाब अमित देशमुख कल लातूर जिले के उदगीर में विलास कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के दूसरे यूनिट में तैयार की गई शक्कर की पूजा करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे रियासत के शकर कमिश्नर शेखर गायकवाड़ और उनकी अहल्या वंदना गायकवाड़ भी इस मौके पर मौजूद थी इस मौके पर जनाब शेखर गायकवाड़ ने बताया कि शकर की सनत में सभी की मेहनत के बायस रियासत शकर की पैदावार में सरे फहरिस्त है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 180 रनों का हदफ़ मुखरर किया था जवाबी बल्लेबाज़ी में कोलकाता की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर हदफ़ हासिल कर लिया हुकूमत आपके दर पर नामी प्रोग्राम के तहत कल हिंगोली जिले में तालीम याफ़्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मेले का अहतमाम किया गया है कल सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो, दो बजे तक इस रोजगार मेले का इन अमल में आएगा ख्याल रहे कि फरोग हुनरमंदी, रोजगार और सनत व हरफत रहनुमाई मरकज की जानिब से हर महीने के दूसरे बुध को रोजगार मेले का अहतमाम किया जाता है आखिर में अहम खबरों की सुर्खियाँ एक मरतबा फिर सुन लीजिए मणिपुर में फंसे हुए पच्चीस तलबा को लाने वाला मखसूस हवाई जहाज़ कल शाम मुंबई पहुंचा रियासत में गुमशुदा लड़कियों की तलाश करने के मकसद से मखसूस दस्ता तश्कील दिया जाए खवातीन कमीशन का मतालबा मराठी जबान पॉलिसी दो हजार तेईस का हतमी मुसविदा रियासती हुकूमत को पेश छत्रपति संभाजी नगर में तीन मजदूर ड्रेनेज चैम्बर में फंसकर जा हाँ। और आई पी एल क्रिकेट टूर्नामेंट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को पांच विकेट से शिकस्त दी इलाकई खबरें खत्म हुईं